welcome class 8th in today's class students in our previous class i have explained how british east india company captured bengal the company adopted a carefully devised plan to expand their rule in india in order to bring the whole india under its domination they adopted many expansionist strategies एटीनथ सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडिया में दो सबसे बड़े किंगडम्स थे जो ब्रिटिश एक्सपेंशन में रुकावट डाल सकते थे देवर मैसूर एंड मराठास कंपनी लॉन्च वॉर अगेंस्ट बोथ ऑफ दैम फर्स्ट विथ मैसूर द टेरिटोरियल एक्सपेंसन ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली एंड लेटर हिस्सन टीपू सुल्तान अलाम द कंपनी एज इट वाज़ अ थ्रेट ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ उस समय मालाबार कोस्ट से स्पाइसेस की ट्रेडिंग मैसूर संभाल रहा था 1785 में टीपू ने सैंडलवुड पेपर और कैडमम की ट्रेडिंग अपने पोर्ट से करने में मना कर दिया और लोकल मर्चेंट्स को भी कंपनी के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया टीपू एंटर्ड इंटू क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी अंडर देयर असिस्टेंस कंपनी परसिव्ड एज इट वॉज अ थ्रीट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिस लेट टू फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स बिटवीन सेवनटीन सिक्सटी सेवन एंड सेवनटीन नाइन्टी नाइन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली ने ब्रिटिश को क्रश कर दिया जिसके बाद ब्रिटिश और हैदर अली के बीच मद्रास में एक ट्रीटी हुई जिसमें यह समझौता हुआ कि ब्रिटिश और मैसूर दोनों ही एक दूसरे को किसी भी तीसरे पावर के अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन 1770 में जब मराठाज ने मैसूर पर अटैक किया तब ब्रिटिशर्स ने मैसूर को प्रोटेक्ट नहीं किया जिससे हैदर अली बहुत नाराज हुआ और उसे पुलिलर के बैटल में ब्रिटिश को हरा दिया इन 1782 हैदर अली डाइड वाइल्ड फाइटिंग इंग्लिश फोर्सेस इन चितूर, बट सन टीपू सुल्तान कंटिन्यू वॉर। अब के सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी एक ट्रीटी के साथ ही समाप्त हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से जाना जाता है अब नेक्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है जो टीपू के फ्रेंच लोगों के साथ रिलेशन बनाने और स्पाइसेस ट्रेड करने में ब्रिटिश का साथ ना देने के कारण हुआ ब्रिटिश लेड बाय लॉर्ड कॉर्नोवेलिस एंड सपोर्टेड बाय निज़ाम एंड द मराठास डिफीटेड टीपू जिसके बाद उनके दोनों बेटों को भी पकड़ लिया गया और उसके उससे फाइन के रूप में उसके किंगडम का एक बहुत बड़ा पार्ट ले लिया गया नाउ ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सब्सिडायरी अलायस दैट वॉज अ न्यू पॉलिसी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले प्रपोज टीपू टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायसेस बट ही रिजेक्टेड हिज प्रपोजल और ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन बना जिसमें 1799 में अपना कैपिटल सरिंगापटनम को डिफेंड करते हुए टीपू सुल्तान भी मारा गया आफ्टर हिज डेथ ब्रिटिश कैप्चर्ड हिज किंगडम एंड इम्पोज सब्सिडाइडी अलाइंस ऑन द स्टेट इस तरह एक और लार्ज पार्ट पर ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया students that's all for today in our next class we will see how british capture other important parts of india and expanded their rule till then take care and have a nice day